नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर से यहां पे बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों का कोर्स में सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो किसी का कॉलेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 100% प्रॉब्लम सॉल्व करने का कम्प्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। अगर दोस्तों आपका भी प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा है, या तो कोर्स नहीं आ रहा है, या तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते टाइम बैक हो जा रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर छोटी बड़ी सबसे पहले अपडेट मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे खुशखबरी है कि अगर दोस्तों आपका कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा था, यानी कि आउटसाइड को छोड़ के अगर आपका कॉलेज झारखंड राज्य में ही है और दोस्तों आपका कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा है, या तो दोस्तों कोर्स नहीं आ रहा है, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप एक बार जल्द से जरूर चेक कर लें, आपका दोस्तों कोर्स भी सिलेक्ट होगा और दोस्तों आपका कॉलेज भी आ चुका होगा। अभी तक दोस्तों आपने चेक नहीं किया है तो आप एक बार जल्द से जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपका अप्लाई करते टाइम कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा था, या तो दोस्तों कॉलेज नहीं आ रहा था, आपका कॉलेज का नाम नहीं लिस्ट में आ रहा था, तो दोस्तों आपका कॉलेज का भी नाम आ गया, और अगर आपका कोर्स नहीं आ रहा था तो आपका कोर्स भी आ चुका है। बहुत सारे कॉलेज, जैसे दोस्तों रांची में कहा जाए तो यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद कॉलेज का भी नहीं आ रहा था, और बहुत सारे कॉलेज का यहाँ पे धनबाद, कोडरमा, चाईबासा वालों का दोस्तों कोर्स नहीं आ रहा था, तो दोस्तों उनका भी कोर्स आना चालू हो चुका है। आप एक बार जल्द से जरूर चेक करें ना, आपका दोस्तों सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ तो था यानी कि इन साइड यानी कि झारखंड राज्य के लिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आउटसाइड कॉलेज का अभी नाम भी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी दोस्तों आउटसाइड वाला का कोई भी कॉलेज का यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि अभी तक इसमें वर्क ही चल रहा होगा, क्योंकि वेबसाइट को नया बनाया गया है, जिससे दोस्तों आउटसाइड वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा होगा, यानी कि कॉलेज लोग। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना है, अगर आप आउटसाइड में पढ़ते हो तो आपका कॉलेज जल्द ही जल्द आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और दोस्तों हो जाएगा तो जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा चैनल के माध्यम से। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को क्लिक करके रखना। अगर आप आउटसाइड के हो तो अभी थोड़ा दिन वेट करें, आपका भी आ जाएगा, जैसे कि इनसाइड वालों का कोर्स और कॉलेज भी आ चुका है, उसी टाइप से दोस्तों आपका आउटसाइड का वालों का भी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यह था कोर्स और कॉलेज वाला का अपडेट। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करता है, सारा डिटेल सही डालता है, लेकिन भी दोस्तों बैक हो जाता है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बताता है, या तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर है इस टाइप से बता रहा है। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो दोस्तों वीडियो को राइट साइड में इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम दिख रहा होगा, डिजिटल कमलेश _92, जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हो। आप दोस्तों डायरेक्टली लिंक पे भी क्लिक करके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके मैसेज करना, आपका प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा, आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन तुरंत से तुरंत मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 100% यहाँ पे सोल्यूशन है अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो। इसलिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करना कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है बोल के मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको तुरंत से तुरंत सॉल्यूशन करके दे दूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन करके दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ खुशखबरी बताना था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ई कल्याण से नया अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में दोस्तों कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करना, और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर से जरूर कर लेना।